की माला तने क्यों पहनी थी? बहन तो शोक में किस चीज का शोक? चल मेरे साथ मंदिर में चलेगा तो गीता पढ़ेगा। पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के डासना और इटावा के बाद अब मेरठ से मुस्लिम युवक को पीटे जाने का मामला सामने आ रहा है, जहां हमने डासना में देखा कि मुस्लिम बालक अगर मंदिर में पानी पीने गया तो उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया और उसके बाद जो सांप्रदायिक माहौल लगातार बिगाड़ने की वहां कोशिशें की जा रही हैं उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रखी। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इटावा में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां मुस्लिम मजदूर अपनी दिहाड़ी मांगने गया तो उसका नाम पूछा गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसे बंधक बनाया और लोहे की पाइप से बुरी तरीके से पीटे जाने का मामला सामने आया है। और अब मेरठ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डालते हैं। की माला तने क्यों पहनी थी? शोक में किस चीज का शोक? चल मेरे साथ मंदिर में चलेगा तो गीता पढ़ेगा। बोल शोक है तेरा? हनुमान चालीसा पढ़ेगा? हो इस लायक नहीं तुम्हारे। सैलून चलाने वाले फैज खान के ऊपर बुरी तरीके से प्रहार किया गया है। 5-6 भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के गुंडों ने उन्हें घेर लिया और सिर्फ इस बात पर फैज खान के साथ मारपीट की गई है क्योंकि उसने अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। आप सोचिए कि पहले पानी पीने को लेकर के विवाद हुआ, फिर वहां किस तरीके से माहौल गरमाने की कोशिश की गई, दूसरा इटावा में मुस्लिम मजदूर अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेने के लिए गया तो फिर वहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई, और अब मेरठ से फैज खान को मारे जाने का मामला सामने आया है, जहां पर उसने अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी और रुद्राक्ष की माला पहनने को लेकर के वो गुंडे उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात करते हुए नजर आ रहे हैं और भद्दी भद्दी गालियां मुस्लिम समुदाय को देते हुए नजर आ रहे हैं कि रुद्राक्ष की माला अगर पहन ली है तो चलो मंदिर में चल के भागवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के ये गुंडे। अब समझने वाली बात यह है कि पहले पानी पर विवाद हुआ और इसी के साथ साथ अब रुद्राक्ष की माला को लेकर के विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कौन से लॉ में या कौन सी ऐसी किताब में लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष की माला सिर्फ कट्टर हिंदू समाज के लोग ही पहन सकते हैं, आम नागरिक उसे नहीं पहन सकता? अगर फैज खान ने शौक शाक में रुद्राक्ष की माला पहन भी ली तो क्या इस तरीके से मारने का अधिकार उन्हें किसने दिया है? और अगर दिया है तो कौन इन ताकतों के पीछे हैं, उन ताकतों तक पहुंचने की जरूरत है और क्यों ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे उनके हौसले हर दिन बुलंद होते जा रहे हैं? तो कभी हम आसिफ की तस्वीर देखते हैं तो कभी दानिश की, और अब हमारे सामने फैज खान का मामला सामने आया है। मेरठ से आ रही हर एक जानकारी को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।